जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों, बहुजन मीडिया पर स्वागत है और मैं संतोष कुमार अम्बेश। आज हम अभाजपा के मंच पर हैं और मऊ जिले में जो भव्य तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया उसका अंतिम क्षण लेते हुए आज हमारे बीच में है जो मंच संचालक का, जो मैक्सिमम मंचों पे संचालन इन्हीं का होता है, नीलम बोध जी का। और आज यहाँ का जो देखने को मिला वो तजुर्बा जो संचालन का हो या यहाँ पर जो महिलाओं की जो गैदरिंग है और उनके अंदर जो उत्साह था, मैं उन महिलाओं से मिला, उनसे बात करी तो जो उत्साह था और भाजपा के बारे में उन्होंने जो बताया कि बाबा साहब का जो जागरूकता मिशन के अंदर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि भाजपा ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का वो काम कर रही है। यहाँ पे महिलाएं घर से बाहर निकल करके यहाँ पे संख्या देखने को मिली, तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक महिला है। नमस्कार, जय भीम। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के बाहर रहने वाले समस्त जो अम्बेडकर मूवमेंट को चलाते हैं, सभी अपने बहुजन साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। आज जनपद मऊ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अभाजपा कहते हैं, अभाजपा के बैनर तले डॉक्टर अम्बेडकर बिसाओ मिशन बढ़ाओ आरक्षण बचाओ टाइटल दे करके ये महारैली की जा रही। इस महारैली के माध्यम से हम जन जन तक बाबा साहब का जो रुका हुआ मिशन है, बाबा साहब का जो देखा हुआ सपना है, उस सपने को बताने का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन बातों पे विश्वास करते हुए हम लोग अपने इस जन जागरण करने का ये जो वर्क है इसको कंटिन्यू, हमारा कोई भी छुट्टी, हमारा कोई भी ऐसा हॉलीडे ऐसा नहीं जाता है जब हम मिशन के काम में नहीं कर रहे होते हैं। तो हम ये जन जागरण करके लोगों तक बाबा साहब का मिशन पहुंचा रहे हैं। और एक न एक दिन, मैंने कहा भी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एक न एक दिन यह रिजल्ट में ज़रूर कन्वर्ट होगा। बाबा साहब का जो सपना था, अधूरा कारवां था, इस देश को बौद्धमय बनाना, इस देश को बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण करना, निश्चित रूप से पूरा होगा। क्योंकि यही इस भारत भूमि का यही इतिहास है जिसको कि 2500 सालों से दबा दिया गया है। इसी इतिहास को जिंदा करना, इस 85% जो इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, इसको हुक्मरान बनाना और हुक्मरान बनाने के साथ साथ यह जो मानसिक गुलामी का जीवन जी रहा है इसको मानसिक गुलामी से मुक्त कराना ही हमारे इस अभाजपा का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए आज हम जनपद मऊ में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में बुद्ध मित्रा मुसाफिर जी बन चुके हैं और इन्होंने अच्छे तरीके से पूरा मंच संचालन, पूरा मंच के द्वारा लोगों को जागरूक फैलाया है। और जो भीड़ देखने को मिली है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि जो अभाजपा है, अभाजपा की टीम है, अभाजपा के जो मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के सबको जागरूक कर रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाएँ कहीं थिरकस थी वो पुरुषों के बराबर थी यहाँ पे, तो ये देखा गया है कि मऊ जिला में, मऊ जिला ही नहीं बल्कि यूपी के 75 जिलों में सबसे ज़्यादा जो संख्या हो रही है वो महिलाओं की बढ़ती जा रही है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से, जो SC हैं, OST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है, उनको यही संदेश देना है, उनसे यही अपील भी करना है और उनसे यही अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अम्बेडकर मिशन है, जो आरक्षण को बचाना है और अम्बेडकर मिशन को बढ़ाना है। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन को बढ़ाने का मतलब कि देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को स्थापित करना। आरक्षण को बचाने का मतलब है कि सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान 5 ग्रुप में पहचानता है। पहला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, माइनॉरिटी,
एवं जनरल, तो ये पांच लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण देते समय भारतीय अनुच्छेद के 15(4) और 16(4) में ये व्यवस्था दिया कि सबका प्रतिनिधित्व को उन्होंने दो पिछड़ापन का कारण माना। पहला चीज, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े हों और वो शैक्षणिक से पिछड़े हैं, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है या आर्थिक प्रगति का मामला नहीं है, बल्कि समाज में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो स्टूडेंट ट्राइब के लोग, उनको हर जगह शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिले, राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले, नौकरी में प्रतिनिधित्व मिले, और नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं मिले बल्कि उच्च पदों पर भी प्रतिनिधित्व, जहाँ पर कि पॉलिसियाँ बनती है इनका प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि अपने समाज का वो वहाँ पर हित को सुरक्षित कर सके। लेकिन आज खतरे में है, पूरा देश देख रहा है। आपके SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण छीन लिया गया है, प्रोफेसर पदे में दोनों तीनों चारों के सभी आरक्षण समाप्त हो गए हैं, ये प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिए गए हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए आरक्षण बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। एक चीज़ और पूरे देश में दे रहा देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का कहीं प्रोविजन नहीं किया है, लेकिन ये सामान्य कैटेगरी के लोगों को 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण लाया गया है। ये सबसे ज़्यादा जो खड़यंत्र नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबे अंतराल के बाद ये जो SC ST को जो सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े होने का है, उसको आर्थिक आधार पर इस पूरे आरक्षण को समाप्त करने का एक खड़यंत्र नज़र आता है, और इस खड़यंत्र से भी लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि 15(4) में संशोधन होगा, आर्थिक आधार लाया जाएगा, 16(4) में संशोधन होगा, उसमें आर्थिक आधार लगाया जाएगा। लेकिन ये जो आर्थिक आधार का आरक्षण लाया गया है, हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये संवैधानिक कसौटी पर इसको कसा जाएगा, इसको जब इसका परखा जाएगा, तो हमको नहीं लगता कि ये टिक पाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान की मूल भावना है उसमें छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए संविधान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था किया गया है वो प्रतिनिधित्व तो के लिए किया गया है। इसलिए हम लोगों को यह समझना चाहिए कि आज देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद पर, एडिशनल सेक्रेटरी पद पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर हमारे SC ST OBC के लोग तो वहाँ है ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर पहुँचाने के लिए ये सामाजिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण दे करके वहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। इसलिए इसी उचित प्रतिनिधित्व की जानकारी के लिए आरक्षण के बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है, और इसी आयोजन के लिए पूरे आज जो गांव से पूरी लाखों हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, जिसमें हमारे बाबा भोसले राष्ट्रीय सलाहकार RP राम साहब, बाबा भोसले जी और तमाम आपके गाजीपुर बलिया आजमगढ़ के लोग इकट्ठे, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रतिनिधित्व का दिया, जो गोल में सम्मेलन में दिलाया था, इंडिया से नहीं मिला है, पूना पैड में हमारा आरक्षण छीना गया है, और आज इस देश में खड़यंत्र है उसी पूना पैड को दोहरा करके उसमें पृथक निर्वाचन का छीना गया। अब आरक्षण को छीनने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के लिए बचाने के लिए जो बाबा साहब ने गोल में सम्मेलन से लाया था, उसके बचाने के लिए आरक्षण बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। मैं आपके चैनल से बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को मिशन को बचाइए, बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को बचाइए, तभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने पूरा ही विश्लेषण कर दिया।